ओके स्टार्ट करते हैं इंडियन मैप। इंडियन मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक थी कवर कर ली थी। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड 22 लैंग्वेजेस को हमने देख लिया था, कहां कहां पर कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेट और एक एक जैसे भारत में टोटल जितने भी 28 जो राज्य हैं उन सबके बारे में पढ़ना है। तो धीरे 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 हम सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग ऊपर से शुरू करेंगे जम्मू कश्मीर से। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। अब ये आर्टिकल 370 हटने से पहले से शुरू करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी हो गया है, जबकि पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था। ठीक है, तो वहां से हम लोग ये चीजें सारी की सारी देखेंगे। चलो, तो हमें जिसकी जरूरत है हम वो ले लेते हैं, बाकी चीजों को काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ जाओ, यहाँ जाना, बड़ा मैप रहेगा तो प्रिंट करने में आसानी होगी। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। पहले मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसको पहले हम ऐसे समझते हैं कैसे कैसे धीरे धीरे सारा का सारा प्रोसेस आता है। अभी एक जम्मू कश्मीर दिख रहा है पूरा। अब देखो, इस जम्मू कश्मीर में जो इधर का ये एरिया है, ठीक है, इधर का ये एरिया है, ये एरिया को पाकिस्तान ने कब्जा लिया है, जिसे हम लोग कहते हैं POK। ठीक है, कोक नहीं, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये एरिया जो है, ये एरिया ये चाइना ने कब्जा लिया है, जिसे हम लोग कहते हैं अक्साई चीन, अक्साई चीन। ठीक है, अक्साई चीन। पीओके को पाकिस्तान ने कब कब्जाया था, पीओके को पाकिस्तान ने कब कब्जाया था, तो 1948 में, जैसे ही हमारे देश आजाद हुआ था, आजादी के तुरंत एक साल बाद 1948 में। ठीक है, 1948 में। इसकी पीछे की सारी स्टोरी बताऊंगा अभी कैसे हुआ। ठीक है, पहले यहाँ बेस थोड़ा समझ लेते हैं। 1948 में पाकिस्तान ने कब्जा, और अक्साई चीन मतलब चीन ने ये वाला एरिया हमें कब कब्जाया था, तो ये 1962 में। ठीक है, 1962 वॉर में चीन ने हमसे ये एरिया कब्जा लिया। पाकिस्तान ने जो एरिया कब्जाया है, ये पूरे जम्मू कश्मीर का, पूरे थोड़ा सा मैंने यहाँ बना दिया, पूरे जम्मू कश्मीर का लगभग 30% एरिया है। ठीक है, पूरे जम्मू कश्मीर का लगभग कितना परसेंट एरिया है, 30% एरिया है। ठीक है, 30% एरिया, और जो अक्साई चीन है वो लगभग 10% एरिया है, 10% एरिया है पूरे जम्मू कश्मीर का। बात समझ में, यानी कि जम्मू कश्मीर का टोटल 40% हिस्सा हमारे दोनों पड़ोसियों ने कब्जा लिया है, हमारे पास बचा हुआ है 60% हिस्सा। बात समझ में, ओके। अब देख, पीओके को पाकिस्तान ने कब कब्जाया, 1948 में, और अक्साई चीन को चाइना ने कब कब्जाया, 1962 वॉर में। हमारे दोनों तरफ दो दुश्मन, ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, वेस्ट में, और इधर है चाइना। ठीक है, चाइना, यानी हमें दो तरफा युद्ध की तैयारी हमेशा करके रखनी चाहिए। अगर कभी युद्ध होता है तो हमें दोनों फ्रंट से लड़ने आना चाहिए, उतनी कैपेबिलिटी हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों मिले हुए हैं, चाइना की इकोनॉमी इस तरीके से बर्बाद हो रही है वो हम देख ही रहे हैं। पाकिस्तान पूरी तरीके से चाइना के अंडर आ चुका है। ठीक है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ढह रही है, ये सबको पता है। तो कभी भी अगर चाइना ने पाकिस्तान को कुछ कहा
कि इंडिया पर अटैक कर रहा हूं मैं, तुम भी उधर से अटैक करो, तो पाकिस्तान इससे पीछे हटेगा नहीं, ठीक है, वो कर देगा। बात समझ आ रही है? तो हमेशा हमेशा हमें टू फ्रंट वॉर के लिए रेडी रहना चाहिए। बात समझ में? अब हम लोग ये जो पीओके का सिनेरियो है इसको समझते हैं, कैसे पाकिस्तान ने हमसे ये 1948 में कब्जाया, ठीक है। अब देख जैसे देश आजाद हुआ था तो अंग्रेज जो थे धूर्त हरामी, ठीक है, उन लोगों ने क्या कहा कि भारत में जितने भी राजा रजवाड़े हैं, वो मतलब कि जिन जिन राजाओं के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा नहीं है, वो अगर चाहें तो आजादी के बाद चाहे तो अपना फ्री देश बना सकते हैं, फ्री कंट्री बना सकते हैं, या चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं, या चाहे तो भारत के साथ मिल सकते हैं, ठीक है, भारत के साथ मिल सकते हैं। इस जम्मू कश्मीर में उस वक्त के डोगरा शासक थे राजा हरि सिंह, ठीक है, उस वक्त के डोगरा शासक कौन थे? राजा हरि सिंह, ठीक है, ये थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह चाहते थे कि मैं जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाऊं, ठीक है। ये क्या चाहते थे राजा हरि सिंह कि जम्मू कश्मीर को ये क्या बनाए, स्वतंत्र देश बनाए, ठीक है, यानी फ्री कंट्री, JNK, जम्मू कश्मीर। और ये बंदा कौन है? हरि सिंह, हरि सिंह कौन से कौन से शासक थे? डोंगरा शासक थे, ठीक है, यहाँ पर डोंगरा शासकों का राज हुआ करता था, डोंगरा शासक के अंतिम राजा थे, ठीक है, डोगरा रूलर जैसे थे ना मुगल, सिंधिया, उसके बाद तेरे क्या कहते हैं उनको, हैदराबाद में निजाम, तो वैसे ही यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाले एरिया में डोगरा शासकों का राज हुआ करता था। डोगरा शासकों में अंतिम रूलर कौन हुए? हरि सिंह ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को क्या बनाएंगे? फ्री कंट्री, ठीक है, फ्री कंट्री। लेकिन कैसे बनाओगे? यहाँ पर राजा तो ये हिंदू है, यहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी, ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या थी? मुस्लिम थी, ठीक है। मैं यहाँ से लिखता हूँ JNK, यहाँ पर जो राजा है, ठीक है, किंग, वो क्या है? हिंदू है। इसको यहाँ देखिए, यहाँ से पॉइंट लिखता हूँ, यहाँ पर जो राजा थे, किंग थे, वो हिंदू थे, ठीक है, हिंदू, और जो पॉपुलेशन थी वो मैक्सिमम पॉपुलेशन, नहीं कि सबकी सब, मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम थी, ठीक है। अब देख इस हरि सिंह के जो प्रधानमंत्री थे, पीएम, उनका नाम था शेख अब्दुल्ला, ठीक है, यहाँ के पीएम, हरि सिंह के पीएम कौन थे? शेख अब्दुल्ला। देख शेख अब्दुल्ला ने हरि सिंह को कहा, दिखाई दे रहा है, ये बंदा बहुत ही धूर्त आदमी था, ये, ठीक है, बहुत ही धूर्त आदमी था। शेख अब्दुल्ला का बेटा हुआ फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला का बेटा हुआ उमर अब्दुल्ला, यही उमर अब्दुल्ला बाद में जाकर के जम्मू कश्मीर का क्या बना था? सीएम, ठीक है। देख शेख अब्दुल्ला, याद रखना है, शेख अब्दुल्ला का बेटा क्या था?
उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला सॉरी फारूक अब्दुल्ला, हाँ ठीक है फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला का बेटा था उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला अब्दुल्ला, और ये जाकर के बाद में क्या बने सीएम, कहाँ के जेएनके के, जम्मू कश्मीर के, ठीक है। तो फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है। अब देख इस शेख अब्दुल्ला ने चालाकी से क्या कहा कि देखिए राजा साहब आप ना यहाँ जम्मू कश्मीर पर जो है शासन तो करना चाहते हैं, फ्री कंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले जैसे ही ये फ्री कंट्री बनाता पाकिस्तान, पाकिस्तान ने क्या कर दिया इस पर अटैक कर दिया, ठीक है पाकिस्तान ने इस पर अटैक कर दिया। और जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तो उसके अटैक में शेख अब्दुल्ला का बहुत बड़ा हाथ था, उसने भी हेल्प किया उन पाकिस्तानियों को। जब शेख अब्दुल्ला ने पाकिस्तानियों को हेल्प किया और हरि सिंह के जितने भी सैनिक थे वो मारे जाने लगे, तो हरि सिंह भागे भागे कहां पर आते हैं दिल्ली, यानी मतलब भागे भागे क्या खबर पहुंचाते हैं दिल्ली, और दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू से कहते हैं कि हमारी मदद कीजिए, हमको बचाइए, नहीं तो ये पाकिस्तानी क्या करेंगे, पाकिस्तानी हमको मार देंगे, ठीक है ये पाकिस्तानी हमको मार देंगे। तो जो कि इन्होंने कहा अपने जवाहरलाल ने, ठीक है हम आपको बचाएंगे, हम आपको क्या करेंगे बचाएंगे, और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने दी किसको, सरदार पटेल को, सरदार पटेल को, क्योंकि सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि जितने भी 552 रियासतें हैं उन सबको एक किया जाए, ठीक है गृह मंत्रालय उन्हीं के अंडर में काम कर रहा था। तो सरदार पटेल को उन्होंने कहा कि जाइए उनकी हेल्प कीजिए, तो सरदार पटेल ने कहा पागल हो गए हैं, पहले हरि सिंह को कहिए कि वो पगला मतलब हरि सिंह क्या करे साइन करे कि ये जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा रहेगा, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा रहेगा। तो ये बात जो कि ये अपने नेहरू साहब समझे कि हाँ ये बात भी सही है, तो उन्होंने हरि सिंह से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन एक ही शर्त पर, तुम भारत में मिलोगे। तो जम्मू कश्मीर अरे ये डोगरा शासक जो हरि सिंह थे, हरि सिंह कहा ठीक है हम जो कि मिलेंगे लेकिन हमारी कुछ नियम कानून रहेगा, ठीक है। तो पहले उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है आप पहले मिलियो तो सही, आपका नियम कानून हम मानेंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये हरि सिंह क्या हुआ हेल्प मतलब कि राजी हो गया तो इंडिया से मिलने के लिए, तो एक होता ना कि भाई पेपर पर साइन किया जाएगा, हाँ तो एनेक्सेशन पेपर पर साइन हुआ, और साइन के तहत ही उसमें जो कि ये जम्मू कश्मीर भारत का अंग बना। लेकिन उसमें सारा का सारा खेल किया किसने, ये शेख अब्दुल्ला ने। इस हरि सिंह ने कहा देखो शेख अब्दुल्ला तुम्हें हमें जो ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है ना इसमें जिस तरीके से शासन करना है उसका पूरा का पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर पर शासन करने का जो भी प्रोसेस होगा किस तरीके से हमारा रूल होना चाहिए, कौन सा एरिया हमारी होगी, भारत में भारत का इंटरफेरेंस कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, इन सब की जिम्मेदारी किसको दे दिया गया शेख अब्दुल्ला को। और शेख अब्दुल्ला ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया मतलब कि एक ड्राफ्ट तैयार किया जम्मू कश्मीर का। इसलिए आजादी के बाद 2019 से पहले तक जम्मू कश्मीर में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से लागू नहीं होता था, जम्मू कश्मीर का एक अलग झंडा हुआ करता था, ठीक है जम्मू कश्मीर का अलग झंडा हुआ करता था, वहां का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया जिसमें आर्टिकल 370 और 35 आर्टिकल 370 और 35 ये मेन इम्पोर्टेंट है, उसमें कहा गया कि देखो आर्टिकल 370 में कई बातें कहेगी जिसमें से मैं कुछ जो बातें इम्पोर्टेंट है वो बताता हूँ। आर्टिकल 370 के ए में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की जो सरहदें हैं वो भारत की सरहद रहेंगी, ठीक है यानी जम्मू कश्मीर का ये जितना भी जो सरहद है वो भारत की सरहद रहेंगी, ठीक है। और 35 में लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर के अलावा कोई भी दूसरा इंसान आ करके यहाँ पर प्रॉपर्टी को खरीद और बेच नहीं सकता है, जिसे हम लोग आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट के नाम से जानते हैं अपने पॉलिटी में, स्पेशल स्टेटस, ठीक है ओके। तो देख अब कहानी को समझ, यहाँ पर प्रारूप जितने सारा का सारा ड्राफ्ट किसने तैयार किया, इस शेख अब्दुल्ला ने।
अब देख यहाँ पर जैसे ही ये अनेक्सेशन पर साइन होते ही यहाँ से जो ये थे अपने क्या नाम है इनका गृह मंत्री सरदार पटेल ने सैनिक भेजी और सैनिकों की उस वक्त जो सैनिक थे उनमें कमांडर जो इन चीफ थे वो थे ब्रिगेडियर उस्मानी। जब तक ब्रिगेडियर उस्मानी यहाँ पर पहुंचते जम्मू कश्मीर में, यहाँ के जो सैनिक थे सारे के सारे मतलब पाकिस्तानी वो इस एरिया तक घुस चुके थे ठीक है। और यहाँ तक घुस करके उन लोगों ने बहुत मारकाट मचाया था। और जैसे ही यहाँ से इंडियन आर्मी पहुंची ब्रिगेडियर उस्मानी के लीडरशिप में यहाँ पर, और यहीं पर ये बन गया हमारा BOK वाला और एक कहलाया LOC, ठीक है LOC। ये लाइन अगर यही ऑर्डर 2-3 दिन और पहले मिल गया होता तो हमारे सैनिक पूरी तरीके से अंदर घुस चुके होते और ये सिनेरियो आज कुछ अलग ही होता, POK का कोई मसला ही नहीं रहा होता। ये मसला सॉल्व हो गया रहता, लेकिन इस मसले को POK वाले मसले को जवाहरलाल नेहरू ने कहां उठा दिया, UNO में हाँ जनरल असेंबली। और UNO में अभी नया UNO बना हुआ था 45 में, मैंने UNO पढ़ा दिया है सारा का सारा, ठीक है 45 में बना हुआ था। इन्होंने सोचा कि उसके फाउंडिंग मेंबर हम थे ही और हमारी हेल्प हो जाएगी कुछ, और UNO में वो मसला गया और UNO में वो मसला अटका रह गया, आज तक वो मसला सॉल्व नहीं हुआ है। बात समझ में? तो इस 1948 में जब ये कब्जा रहे थे तो उस वक्त हमारे जो ये थे सैनिकों के लीडर थे वो कौन थे, ब्रिगेडियर उस्मानी को यहाँ एक जगह थी जम्मू कश्मीर में नौशेरा में जब वो गए ना तो वहां पर जितने भी पाकिस्तानी वो सब घुसपैठिए थे उन लोग को एक ही दिन में इंडियन आर्मी ने इनके नेतृत्व में मार के सुला दिया। और वहां पर इन्होंने कसम खाई कि जब तक हम लोग यहाँ से पूरे पाकिस्तानियों को मार के भगा नहीं देंगे तब तक हम लोग बंकर में जमीन पर सोएंगे। इसलिए यहाँ ब्रिगेडियर उस्मानी को नौशेरा का शेर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये मामला तब तक जा चुका था UNO में, और UNO में जाने की वजह से ये POK का मामला आज तक अटका ही रह गया। क्लियर समझ में आया? ये कौन थे? ब्रिगेडियर उस्मानी। ठीक है, इन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है। नौशेरा नौशेरा का शेर, अरे यार, ठीक है बात समझ में आई, ये सारी की सारी स्टोरी समझ में आई। हाँ, ये जो शेख अब्दुल्ला इसने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इस जम्मू कश्मीर का तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल को ऐड करवाया, मेन आर्टिकल था 370 और 35A, ठीक है ये दो आर्टिकल को याद रखना। तो देख जब मेंस लिखेगी तो मेंस में ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए कि कब हरा जो कि डोगरा रूलर कौन था, हरी सिंह, ठीक है उनके पीएम कौन थे, ये जो कि शेख अब्दुल्ला, ठीक है इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, फिर ये जो पूरा का पूरा एरिया था मैक्सिमम पॉपुलेशन वहां कौन थी, मुस्लिम थी, वहां के राजा कौन थे, हिंदू थे, ठीक है। तो यहाँ पर विद्रोह करवाना बहुत आसान था क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन में ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई थोड़ा सा भड़काऊ भाषण, सिर्फ मुस्लिम में ही नहीं हिंदुओं में भी देखा जाता है, कई देखे होगी तूने हिंदुओं में ऐसे ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं तो लोग तलवार लाठी डंडा लेकर के रोड पर निकल आते हैं। बस समझे? तो ये ऐसे है कि पॉपुलेशन किसी भी कास्ट या कोई भी रिलीजन हो पॉपुलेशन को आराम से क्या कर सकते हैं, भड़का सकते हैं, लेकिन किसी एरिया में अगर एक पर्टिकुलर खास पॉपुलेशन डोमिनेट करे तो वहां मार झगड़ा होना आम बात हो जाएगा। ठीक है, जैसे तू मुंबई में ही देख, कोई ऐसी गली होगी, कोई ऐसा चौल होगा
जहाँ पर अगर महाराष्ट्रियन और यूपी वाले या बिहारी तीनों मिक्स होंगे ना, वहां पर लड़ाई झगड़ा बहुत कम होता होगा, बहुत कम। लेकिन अगर कोई ऐसा चौल होगा जहां पर सिर्फ यूपी वाले ही भरे हैं, रोज दूसरे दिन मार झगड़ा करेंगे। ऐसा क्यों? मेंटेलिटी देख, जब हम मिक्सअप रहते हैं ना, मिक्सअप, तो हम लोग ऐसा हमारा इतना बोलते ना स्ट्रांग नहीं बन पाता कि हम लोग खड़े हो जाएंगे, किसी को मार देंगे अकेले, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग एक ही कास्ट या एक ही रिलीजन या एक ही जगह वाले आते हैं, तो हमारा एक बोलते हैं ना कि लगाव सा ऐसा बन जाता है, क्या करेगा, मेरे पड़ोसी का है तो इधर ही का तो है, यहाँ मारेंगे, गांव में भी मार देंगे, ठीक है। और यहाँ महाराष्ट्र में तेरे सामने, मतलब कि महाराष्ट्रियन कोई, इनका गांव कहाँ होगा, इनके घर वाले कहाँ होंगे, इनकी बोली चाली अपनी अलग है, भाषा अलग है, तो इसमें हाँ भाभी भाभी ऐसे करके बोली चाली होती है, ठीक है। वहीं पर अगर पूरा का पूरा यूपी रहे या बिहार वाले रहे, तो वहां पर ये उनका पतो ऐसी है, उनकी लड़की उनके साथ भाग गई, तो वहां उनका जो कि आदमी दो दो को रखा है, यही सब बात चलती रहती है उसमें, ठीक है। और इसी में लेकर के वो मेरे दरवाजे पर कचरा कर रही है, वो मेरे दरवाजे पर कचरा, ये नहीं करेंगे कि कोई साफ कर दे, कि अपने दरवाजे को साफ कर लो, अपने दरवाजे को साफ कर लो, सब कचरा कचरा करके मार कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर पूरे देश में भी वैसा होता है कि कहीं पर भी किसी भी एरिया में अगर कोई एक ही पॉपुलेशन डोमिनेट करेगी ना, तो वहां जो दूसरे लोग रहेंगे उनको सप्रेस होना लाजमी सा है, और जो डोमिनेटिंग पॉपुलेशन रहेगी उन सब में ही मारी मारा होना ये आम बात है, ठीक है। ये आर्टिकल 370 वाला अभी यहां तक की कहानी समझा, अभी आर्टिकल 370 हटानी है। मेरे स्टोरी में मैं जो तुझे अभी बता रहा हूँ, अभी मैंने तुझे आर्टिकल 370 कैसे आया, ये इम्प्लीमेंट हुआ, ये बताया मैंने अभी। अब इसके आगे की स्टोरी अगर तुझे समझ में आ गई हो, तो मैं आगे चलूं और 370 को कैसे हटाया गया, इसके पीछे क्या कहानी थी वो बताऊं। इतना क्लियर है ना ये चीजें, ठीक है। अब देख आगे समझते हैं, जैसे ही ये मुद्दा गया यूएनओ में, तो यूएनओ में ये मुद्दा अटका रह गया और इसको रिजोल्व करने के लिए, अभी यूएनओ तो नहीं रिजोल्व करवा पाएगा, मतलब कि जम्मू कश्मीर वाला है। ओके, कैसे समझ में आ रहा है अभी? पहले जब ये चीजें, ये एरिया जो कब्जा है इसने पीओके, ये ओके। अब पाकिस्तान का कोई भी इंसान रहता तो यहाँ पर देख, पहले कैसे बटा हुआ था ये जम्मू कश्मीर, ठीक है। देख इसमें ये जो एरिया था, ये एरिया कहलाता था कश्मीर, ठीक है, ये था कश्मीर, ठीक है। ये तो चाइना ने कब्जा लिया, तो अक्साई चीन, ठीक है, इसको छोड़ दो अभी, तो बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो एरिया था, ठीक है, ये एरिया था लद्दाख और ये था जम्मू, ठीक है, जम्मू। तो देख जम्मू में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो हिंदू, वैष्णो देवी मंदिर यहीं पर सारा का सारा है, ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदू, ठीक है, हिंदू। और ये लद्दाख वाले एरिया में बुद्धिज्म ज्यादा थे, थोड़े बुद्धिज्म, ठीक है। और ये जो कश्मीर वाला एरिया है, कश्मीर वाले एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, ठीक है, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, ठीक है। अब देख पाकिस्तान कभी भी कोई मुद्दा उठाता तो किसको लेकर उठाता था? कश्मीर को। कश्मीर जो कि पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट है, हम कश्मीर को लेकर के रहेंगे, कश्मीर में हम ये करेंगे, कश्मीर में वो करेंगे। पाकिस्तान का ये जो एरिया जो पीओके वाला था, यहीं से आतंकवादी सब कहां जाते थे?
कश्मीर में, और यहीं पर बम फोड़ के चले जाते थे, ठीक है, बम फोड़ के चले जाते थे। हमारे जितने भी आर्मी पर्सनल रहते थे उनको मार देते थे, है, जो कि कभी वहां के रहने वालों के भेष में आकर के, तो कभी आर्मी का कपड़ा पहन के वहीं के कश्मीरियों को मार देते थे, तो कश्मीरी समझते थे कि आर्मी वाले ने मारा है, ठीक है, बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता था ये कश्मीर वाले पार्ट को लेकर के। अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं, ये कश्मीर है ना, कश्मीर को ही यहाँ नक्शे से हटा देते हैं, ठीक है। देख, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वही, क्योंकि हमारे आर्टिकल 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 में क्या कहा हुआ है कि पार्लियामेंट चाहे तो देश के अंदर किसी भी राज्य को के बॉर्डर को घटा या बढ़ा सकती है, ठीक है, चेंज कर सकती है। ये आर्टिकल 3 में साफ साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 3 में साफ साफ लिखा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने देख क्या किया, गवर्नमेंट ने, अब ये जो बार बार मुद्दा रहता था, पाकिस्तान भी यूएनओ में यही मुद्दा उठाता था कि यहाँ के लोगों को रेफरेंडम करवाइए, ये लोग कहाँ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, और यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन थी तो उन लोग को भड़का देता था पाकिस्तान वाला पैसा वैसा दे करके, वो लोग भड़क जाते थे, ठीक है, वो लोग भड़क जाते थे। तो मोदी जी आए और सोचे ये काम करते हैं, जो सेक्शन है ना इसका ही कुछ कर देते हैं हम लोग। तो उन्होंने देख क्या किया, लाइक ये तो पीओके था ही, ठीक है, ये पीओके, और ये वाला एरिया तुझे वहां जो वो दिख रहा है, कश्मीर दिख रहा है, ठीक है, ये कश्मीर दिख रहा है, ये एक्साइज चीन है, ठीक है, ये कश्मीर। उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये कश्मीर को ऐसे नहीं, इसको क्या करो, ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसे कर दो, और यहां कर दो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, और वो वाले एरिया को कर दो लद्दाख, ठीक है, लद्दाख कर दो। तो बोले हाँ ठीक है, लद्दाख कर देते हैं। अब अगर कोई यूएनओ से, मान लो कि कोई कभी ऐसा हुआ, पाकिस्तान ने कहा कि नहीं यहाँ रेफरेंडम करवाया जाए यहाँ के लोगों को, तो यूएनओ से जो कोई भी आएगा बोलेगा पाकिस्तान के साथ, चलो अच्छा चलो वहां पर रेफरेंडम करवाते हैं, देखते लोग किसके साथ रहना चाहते हैं। तो आएंगे वो लोग और यहाँ पर जाएंगे, यहाँ के लोगों से पूछेंगे आप किसके साथ रहना चाहते हो, यहाँ के लोग कहेंगे हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो यूएनओ से जो भी लोग आए रहेंगे इंडिया से, कहेंगे मोदी जी से, देखिए मोदी जी ये लोग पाकिस्तान से रहना चाहते हैं। तो मोदी जी कहेंगे एक बात बताइए, इन लोगों से पूछिए ये लोग कौन से एरिया को कहना चाहते हैं कि जो है पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, ये है कहाँ पे। तो ये लोग कहेंगे तो लद्दाख में है, लद्दाख, तो आप आए किसके लिए हो, हम कश्मीर के लिए। तो कश्मीर वाले के पास जाके पूछिए ना कि कश्मीर वाले कहाँ रहना चाहते हैं, बोले हाँ हाँ आपकी बात बराबर है, अब कश्मीर ये हो गया है, और यहाँ पर सारे के सारे हिंदू पॉपुलेशन, यहाँ के लोग कभी कहते नहीं कि मैं पाकिस्तान के साथ रहूंगा, यहाँ के लोग कहते हैं भाई इंडिया हमारा है, हम इंडिया में ही रहूंगा, है ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ कहेंगे कि यहाँ के लोग कुछ कहेंगे नहीं कि हमें पाकिस्तान के साथ, बल्कि उल्टा मारेंगे तो झापड़, क्या पाकिस्तान पाकिस्तान करता है, ठीक है। तो यूएनओ वाले का मुंह लजा जाएगा, वो भी चार गाली सुनाएगा पाकिस्तान वाले को, कह रहे तेरे को आता पता नहीं रहता कहाँ का लोग कहाँ पे है, तो वो समझाएगा देखो ऐसा नहीं ऐसा हो गया, बोला जो हो गया सो हो गया, अभी करंट में क्या है, मामला कहाँ पर है, कश्मीर है कहाँ पर। बोलेगा ये तो गड़बड़ हो गया सब यार, है कश्मीर, जो पहले कश्मीर का मुद्दा लेकर के लोग हवा बनाए रहते थे, अब कश्मीर को ही हटा दिया इन लोगों ने, भारत वालों ने, ठीक है। तो यही हुआ आर्टिकल 370 में। अब आर्टिकल 370 हटा, तो आर्टिकल 370 के ए में लिखा हुआ था कि कश्मीर की जो शहर बॉर्डर है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, आर्टिकल 370 में लिखा हुआ था, 370 के ए में, कि कश्मीर का मतलब कि जम्मू कश्मीर की बॉर्डर, ठीक है, JNK बॉर्डर इंडिया की इंटीग्रल पार्ट है, इंडियाज इंटीग्रल पार्ट। इस आर्टिकल 370 ए को
छोड़ दिया गया है, और बाकी इसमें जितने भी बी सी डी करके सब थे दूसरे जो स्पेशल स्टेटस देते थे, ठीक है, और कुछ कुछ चीजें थी उन सबको हटा दिया गया। और इसी के साथ आर्टिकल 35A, आर्टिकल 35A इसमें जो कहता था कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कोई बाहर के स्टेट का आदमी आ करके यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, उसको भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है, प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, इसे भी समाप्त कर दिया गया। और ये कब हुआ? 2019 में, ठीक है, 2019 में, 2019 में ये दोनों आर्टिकल 370 का ए को छोड़ करके बाकी सब और आर्टिकल 35 को हटा दिया गया, और हटा करके जम्मू कश्मीर को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। जो जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट हुआ करता था, अब ये दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। ये स्टोरी समझ में आई? ओके, इतनी स्टोरी क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं इतने में? ओके, अब हम लोग आगे समझते हैं, ये जो पीओके वाला हिस्सा है, पीओके वाला हिस्सा है, इसमें पाकिस्तान ने कितने भाग कर दिए हैं, ठीक है, इस पीओके वाले हिस्सा में पाकिस्तान ने कितने भाग कर दिए हैं और उसका किस किस तरीके से इसने मिसयूज किया, ठीक है। देखो अब ये हो गया है क्या, ये तो पूरा हो गया जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख हो गया है, ठीक है, अब समझ में आ गया रहेगा। अब देख यहाँ से समझते हैं, ये वाला जो एरिया ये क्या है, इधर वाला ये पीओ के है, ठीक है, पीओ के। अभी देख इस पीओ के को अभी आने देता हूँ, देख इस पीओ के में, इस पीओ के में ये जो ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, ऊपर वाला ये वाला एरिया, ठीक है, ये इसको, ठीक है, इसको कहा जाता है गिलगित, सॉरी ये पूरा का पूरा नहीं, ये थोड़ा सा मैं बनाता हूँ, ये ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे, और ये यहाँ ऐसा, यहाँ ऊपर वाला जो एरिया है इसे कहा जाता है गिलगित, गिरगिट नहीं, गिलगिट, ठीक है, नहीं तो गिरगिट गिरगिट रहेगी, इसे कहा जाता है पूरा गिलगिट, ठीक है, गिलगिट, गिलगिट। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है उसे कहा जाता है बाल्टिस्तान, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, बाल्टिस्तान, बाल्टी वाला, बाल्टिस्तान, ठीक है। और ये जो पतला सा हिस्सा है इसे पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर, ठीक है, इसे क्या कहता है, आजाद कश्मीर। आ गया भाई, कहाँ गए, ठीक है, इस वाले हिस्से को ये क्या कहता है, आजाद कश्मीर, ठीक है, आजाद कश्मीर, आजाद, ठीक है, आजाद कश्मीर, इतना क्लियर है। अब देख यही ये जो आजाद कश्मीर वाला सेक्शन है, यहीं पर एक जगह है मुजफ्फराबाद, यहाँ, ठीक है, सॉरी यहाँ, यहाँ 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 है मुजफ्फराबाद। इस मुजफ्फराबाद में सारा का सारा आतंकवादी सेंटर है, यहीं से आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। जितने भी पाकिस्तानी आतंकवादी रहते हैं कहां से आते हैं, इसी मुजफ्फराबाद से, मुजफ्फराबाद, ठीक है, मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद किस लिए फेमस है, टेररिस्ट सेंटर, टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग, ठीक है, टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर। तो तूने सुना होगा ना, यहीं पर स्ट्राइक हुआ था
अंदर जा करके बालाकोट वगैरह में है, यहीं पर जो कि काफी सारी चीजों को उड़ा दिया गया था। तो ये मुजफ्फराबाद, ठीक है, ये मुजफ्फराबाद याद रखना। अभी और चीजें बताता हूँ, मुजफ्फराबाद, ठीक है, मुजफ्फराबाद अभी दिखाऊंगा, अभी सारा का सारा कहाँ है, ठीक है, मुजफ्फराबाद। अब देख, ये जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ना हमेशा डरते रहता था कि ये जो पीओके हमने इंडिया से छीना है, ये कभी न कभी इंडिया हमसे वापस ले लेगा, और इंडिया जब पीटेगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा, ठीक है, पिटा जाऊंगा। इसलिए इसने क्या किया, जब पुराने टाइम में लाइक की 1947 के टाइम में, 47 के टाइम में हमारा और इसका क्या बोलते हैं यूएसए से नहीं जमता था, ठीक है, जैसे कोल्ड वॉर उस वक्त चल रहा था ना, तो इंडिया और यूएसए का नहीं जमता था, और भी नहीं जमने लगा कब, 1971 लिबरेशन वॉर के बाद, ठीक है, 1971 लिबरेशन वॉर में बांग्लादेश को जब हम लिबरेट कराए थे, तो ये यूएसए आया था ना अपना नेवी वेवी लेकर के यहाँ हमको मारने के लिए, ठीक है। इससे पहले भी और एक इंसिडेंट हुआ था कि जब हमने श्रीलंका को, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट पे आया था कौन, ये यूएसए आया था, तो यूएसए में यूएसए को भगाने के लिए रसिया ने इंडिया से कहा था कि यूएसए को वहां से भगा दो श्रीलंका से, तो हमने लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया, और इसकी वजह से श्रीलंका से यूएसए को जाना पड़ा, तो श्रीलंका से जब यूएसए गया तो भारत उसकी आंख में खटकने लगा था। तो अब देख, इसी चीज का फायदा उठाया और इसी गिलगित वाले रीजन में एक एयरपोर्ट था, ठीक है, उसने पाकिस्तान ने पहले किसको दे दिया, यूएसए को, ठीक है, गिलगित वाले रीजन में एक गिलगित एयरपोर्ट था, गिलगित एयरपोर्ट, ठीक है, समझ ले, यहां पर क्या है, गिलगित एयरपोर्ट, गिलगित एयरपोर्ट, पहले ये एयरपोर्ट को पाकिस्तान ने किसे दे दिया, यूएसए को। अब यहां पर यूएसए आ गया तो देख, यूएसए जब यहां आया तो ये पाकिस्तान से तो खुश हुआ, लेकिन यहाँ पर आएगा, इसका यूएसए का आने का मकसद क्या था, कि एक तरफ यहाँ भारत को भी काउंटर करेगा, दूसरी तरफ चाइना को भी काउंटर करेगा, और ऊपर जस्ट इसके रसिया है, रसिया को भी काउंटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ गिलगित एयरपोर्ट को यहाँ मैं लिख देता हूँ यूएसए, ठीक है, यूएसए, तो तू समझ जाएगी कि ये यूएसए को किसने दिया था, पाकिस्तान ने, ठीक है, पाकिस्तान ने। अब कुछ सालों तक यूएसए ने पाकिस्तान की हेल्प वेल्प की, जहाजे बहाजे दी, लेकिन धीरे 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 यूएसए और पाकिस्तान के बीच में रिश्ता बिगड़ते गया। जैसे पहले पहले कोई लड़का गर्लफ्रेंड बनाता है तो पहले एक दो हफ्ता तक, चार हफ्ता तक, दो महीने तीन महीने बहुत बढ़िया चलता है, उसके बाद दोनों में खटपट होना शुरू होता है कि नहीं होता है। हाँ, सेम वैसे ही यूएसए की रखेल बन चुकी थी कौन, पाकिस्तान, ठीक है। धीरे 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 यूएसए ने इनको थोड़ा इस्तेमाल किया, थोड़ा पैसा दिया, ठीक है, वहां से सब कुछ देखा, लेकिन उसके बाद ये जो पाकिस्तान था इसका यूएसए के साथ जमा नहीं, और धीरे धीरे ये पाकिस्तान का झुकाव किसके साथ होने लगा, इधर चाइना के साथ, ठीक है, यहाँ पाकिस्तान का झुकाव चाइना के साथ होने लगा। अब बताओ, लड़का खचरा होता है, समझ में आता है, लड़की अगर खचरी हो जाए तब, लड़की भी आज की टाइम की खचरी होती है, लड़का एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड को रखता है, लड़की भी एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड रखती है, तो ये पहले तो एक रखा है किसको, यूएसए को। अब सोचा कि इसने सोचा पाकिस्तान ने कि यूएसए के साथ मेरा झगड़ा हो रहा है, अब क्या करूं, यहाँ इनका दादा बैठा है इंडिया, कभी अगर इसका मूड घसका तो थू थार देगा, तो इसके लिए इसने यहाँ पर एक वैली थी, सेक्साम वैली, ठीक है, यहाँ कहाँ पे, बाल्टिस्तान वाले रीजन में, सेक्साम वैली, देख अभी स्टोरी समझ, मजेदार है, ठीक है। ये सेक्साम वैली को इस साले ने किसको दे दिया, चाइना को दे दिया, बताओ, चाइना को खुश करने के लिए कि आओ आओ तुम हमारी गोदी में, ठीक है, बैठ जाओ, ठीक है। इसने ये था सेक्साम वैली, ठीक है, सेक्साम वैली को इसने दे दिया चाइना को, पाकिस्तान ने किसे दे दिया, चाइना को। अब
चाइना को दे दिया, तो पाकिस्तान का रिलेशन जब चाइना के साथ धीरे 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 बनने लगा, तो जाहिर सी बात है कोई लड़की है वो दो बॉयफ्रेंड रखेगी तो पहले वालों को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। यूएसए को बुरा लगा और धीरे धीरे फिर यूएसए यहाँ से चला गया, बोला भाग साला हरामी, दो दो को रखी है, ठीक है। तो यहाँ से यूएसए चला जाता है और आज के समय में तू देखेगी तो यूएसए का पाकिस्तान के साथ कोई खासा रिलेशन नहीं है, है? पाकिस्तान के पाकिस्तान में नया प्रधानमंत्री बन गया, यूएसए ने उनको कांग्रेचुलेशन भी नहीं दिया। नहीं तो ऐसा होता है कि दुनिया में देश में कोई भी नया प्रधानमंत्री बनता है तो जो बड़े बड़े देश होते हैं उनके साथ जब अगर अच्छा संबंध रहता है तो वो लोग फोन करके कांग्रेचुलेट करते हैं कि बधाई हो आपको, आप इस देश के जो कि प्रधानमंत्री बन गए हो, ठीक है। बाइडन कभी फोन नहीं करता, इमरान खान को कभी फोन नहीं करता था, इमरान खान वैसे ही गरियाते रहता था यूएसए को, यूएसए और चाप दिया तब से कि यूक्रेन वॉर में लेकर के वो चला गया था, ये इमरान खान रशिया में ऊपर से सैंक्शन लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। जब वो सैंक्शन वैंक्शन वैसे ही रिश्ते आज के समय में खराब हो गए। अब बचा चाइना, तो चाइना को इस गधा ने क्या कर दिया, अब देख मजे की बात, मतलब चाइना को खाली अपने प्रोटेक्शन के लिए कि मेरा प्रोटेक्शन हो सके इंडिया से, अरे यार इसने क्या किया, इसने चाइना को, चाइना ने इसको चढ़ा दिया। देख चाइना की भी होती ये इंडिया से अभी आज पहले इसको समझ उसके बाद समझेंगे, ठीक है। देख ये एरिया है, अब इसने चाइना ने इसको क्या कहा, एक काम करो, देखो अब मैं तुम्हारी गोदी में आई गया हूँ, सक्षम वैली मिली गया है मुझको, एक काम करो तुम ना मुझसे जो है $85 बिलियन ले लो, $85 बिलियन, और यही बीच में से ना एक सड़क बनाओ, ठीक है। क्या बनाओ, एक सड़क बनाओ, हाँ देखो यहाँ से एक सड़क बनाओ ऐसे, ठीक है। और इस जब ये सड़क अच्छी खासी बन जाएगी ना तो इसके चारों तरफ 11,000 इंडस्ट्री लगाएंगे, कितने 11,000, लड़का फेंकता है कि नहीं लड़की के सामने, मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, बुर्ज खलीफा दिलाओ, भले खाने को पैसा न रहे साले के पास, है। चाइना ही बोला ले लो पैसा ले लो तुम, और जो कि यहाँ सड़क बनाओ मुझसे, ठीक है, मतलब कि मुझसे पैसा लो, मेरे ही इंजीनियर आके सड़क बनाएंगे, फिर उन्हें तुम वही पैसा देना, और जो पैसा लियो हो मुझे वो पैसा भी वापस रिटर्न करना और उस पर इंटरेस्ट भी देना, ठीक है। और तुम ये सोचो कि जब यहाँ पर सड़क बन जाएगी तो इसके चारों तरफ क्या बन जाएंगे, 11,000 इंडस्ट्री लगेंगे, हाँ विदेश विदेशों से लोग आएंगे इंडस्ट्री लगाने, पागल कुत्ता काटा किसी को, इंडस्ट्री लगाने आया है यहाँ पे, हाँ सारा आए दिन बम फोड़ देते रहते हैं, मार देते रहते हैं, चाइना के वर्कर्स तो सेफ है ही नहीं, यहाँ कौन आएगा इंडस्ट्री लगाने, ठीक है। तो चाइना ने इसको कितना बिलियन डॉलर दिया, $85 बिलियन लोन दिया, और क्या क्या बनाने के लिए कहा, रोड, जिसे कहा गया CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब यहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना तो शुरू हो गया, लेकिन यहीं पर पाकिस्तान में भी चार प्रोविंस है, एक बलूचिस्तान, सिंध, ऊपर का वाला एरिया तेरा खैबर पख्तूनख्वा है कि नहीं, और इधर पंजाब से लगा हुआ पंजाब वाला एरिया। अब यहाँ पर इनका जो चाइना का ये जो प्रोजेक्ट था वो होने को तो स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर इतनी आतंकवादी घटनाएं होने लगी, जैसे ये वाला जो एरिया था बलूचिस्तान, यहाँ पर एक अलग ही डिमांड चलती रहती है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इस एरिया को डेवलप ही नहीं करता है, यहाँ से सारे के सारे रिसोर्सेस को निकाल लेता है और उसको अपना ये जो एरिया है पंजाब से लगा हुआ एरिया है इसको डेवलप करने में, और ये जो इस्लामाबाद वगैरह एरिया है खैबर पख्तूनख्वा इसको डेवलप करने में लगाते रहता है, ठीक है, और बलूचिस्तान के लोगों को गोली मरवा देता है, यहाँ के लोगों को कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है। तो इसलिए बलूचिस्तान वाले सोचते हैं कि हमारा ये अलग देश बने, बलूचिस्तान एक अलग देश बने इस पाकिस्तान से अलग होकर के, इसलिए
जब यहाँ से सीपीसी सड़क गुजर रही थी तो बलूचिस्तान वाले उनको बड़ी मार मारते थे, ठीक है। यहाँ के जितने भी वो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उन लोग को ही गोली से उड़ा देते थे। तो तूने न्यूज में कई बार सुना होगा कि चाइना के जो कि थासू डैम के पास इनका थासू बम ब्लास्ट हो गया है, कई जो कि आर्मी पर्सनल और जो कि इंजीनियर मारे गए। तब वहां के जब इंजीनियर मारे जाने लगे तो चाइना अपने इंजीनियर को AK-47 दे दिया। AK-47 देने के बाद कहा पाकिस्तान को कि देखो देखो मेरे जो ये चाइनीज सोल्जर जा रहे हैं इनकी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये लोग कहीं भी जाना चाहे इनको कोई रोक नहीं सकता। अब ये इंजीनियर हाथ में AK-47 लेकर के चाइना मतलब कि पाकिस्तान के जो आर्मी होते हैं ना उनके गाड़ियों पर चढ़ चढ़ के उनके बोलते हैं, वहां पर डांस करते हैं और आर्मी पाकिस्तान की आर्मी कुछ नहीं बोल सकती है, ठीक है। पाकिस्तान की आर्मी उनको कहती है कि आप रेड अलर्ट एरिया में मत जाओ, जहां पर लड़कीबाजी वो होता है ना रेड जोन, हाँ वहां पे मत जाओ। वो लोग बोलते हैं हम जाएंगे, कुछ कहोगे तो थुराओगे। वो लोग जाते हैं, पाकिस्तानी आर्मी कुछ नहीं करती है, जाओ भैया क्या करें हम। बादशाह जी तो एक किस तरीके से अब इसको इतना कर्जा दे दिया है, इतना कर्जा दे दिया ना कि पाकिस्तान बेच भी देगा ना तो भी चाइना का कर्जा चुका नहीं पाएगा। वही हाल हुआ था किसका, श्रीलंका का। श्रीलंका भी उड़ रहा था, वो भी इतना कर्जा ले लिया कि आज देखो श्रीलंका की हालत क्या है। आने वाले समय में पाकिस्तान की भी हालत यही होने वाली है। बात समझ में आई इतना, तो ठीक है। इतना सारा का सारा ये स्टोरी पास्ट से लेकर के करंट तक, पीओके का लेकर के फिर कैसे कैसे जो कि ये जो जम्मू कश्मीर था वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग यूनियन टेरिटरी में बटा, ये सारी की सारी स्टोरी आज मैंने बता दी है। आज के लिए इतना रखते हैं, कल हम लोग बात करेंगे, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये अक्साई चीन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके।